सदर अस्पताल के काम की हाईकोर्ट करेगा मॉनिटरिंग, हर हफ्ते देनी होगी रिपोर्ट। विजेता कंस्ट्रक्शन ने कोर्ट को कहा 30 सितंबर को बिल्डिंग हैंडओवर कर देगी कंपनी। नमस्कार, आजाद सिपाही में आपका स्वागत है, मैं हूं राहुल सिंह। सदर अस्पताल सुपर स्पेशलिटी मामले में गुरुवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इसमें कोर्ट ने कहा कि अस्पताल में काम की मॉनिटरिंग अब कोर्ट करेगा, हर हफ्ते गुरुवार को इसकी अपडेट ली जाएगी कि अस्पताल का कितना काम हुआ है। वहीं सरकार और विजेता कंस्ट्रक्शन को आदेश दिया गया कि काम में तेजी लाए। इस पर विजेता कंस्ट्रक्शन ने बताया कि सरकार ने उनका एग्रीमेंट कैंसिल कर दिया है। इस पर कोर्ट ने फटकार लगाई और कहा कि जब अस्पताल का काम कोर्ट की निगरानी में चल रहा है तो कोर्ट के बिना परमिशन के एग्रीमेंट कैसे कैंसिल कर दिया गया। इसके बाद विजेता कंस्ट्रक्शन को एक्सटेंशन देने का निर्देश दिया गया। एडवोकेट सौरभ अरुण ने बताया कि अस्पताल का काम देख रही विजेता कंपनी को हाईकोर्ट ने एफिडेविट फाइल करने को कहा था। कंपनी की ओर से बताया गया कि 30 सितंबर को कंपनी बिल्डिंग हैंडओवर कर देगी। इसके बाद एडवोकेट जनरल ने कहा कि सरकार की ओर से एग्रीमेंट को कैंसिल नहीं किया जा रहा है, वहीं इसे अक्टूबर तक एक्सटेंड कर दिया गया है। कोर्ट ने कहा कि इसके बाद भी अगर कंपनी काम पूरा नहीं करती है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। चार बार कंपनी की डेडलाइन हो चुकी है फेल। एडवोकेट सौरभ अरुण ने पिछली सुनवाई में कोर्ट को बताया था कि अस्पताल के निर्माण को लेकर 3 बार कंपनी की डेडलाइन फेल हो गई है। वहीं राज्य सरकार की ओर से अस्पताल के काम पूरा करने को लेकर जो एफिडेविट फाइल की गई है उसमें डेडलाइन का जिक्र नहीं है। वहीं अब चौथी डेडलाइन भी फेल हो गई है।